शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन कहता है कि आपकी जो भक्ति है, भगवान धन से, संपदा से, या सत्ता से, या वैभव से, या दौलत से भगवान कभी नहीं रीछता। अगर भगवान को चाहिए तो तुम्हारा केवल निर्मल मन चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा केवल मन। उसके सिवाय भगवान तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे पास में कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी सत्ता है, कितनी दौलत है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब है। शबरी अम्बा के दरवाजे पर भगवान गए, क्या दिया शबरी अम्बा ने? भगवान को क्या प्रदान करा शबरी अम्बा ने? केवल एक झूठे बैर। और झूठे बैर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो? अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बैर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो बछड़े का झूठा था, फूल दिया वो भवरे का झूठा था, मिठाई बनाकर दी वो चींटी की झूठी थी, तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है। फोन पे तो तुरंत कह देता है, माता तारे बिना एक बिना नी रू, एक मिनट नी रू, तेरी तो मुझे बहुत याद आए। और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काय को झूठ बोले, अभी फोन पे बोल रहा था मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तो मारे हृदय में बसी, ने तू तो मारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचाने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान सोच काय आया, अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है? हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं। पुष्प दिया वो भी झूठा था, जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो गाय के बछड़े का झूठा था, मिठाई दी वो चींटी की झूठी थी। हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहां तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये व्यक्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं, बड़ा बड़ा कठिन है महाराज, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे, जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो, उस मंथन से जो प्रकट होगा वह तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन, थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो, थोड़ी देर
जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी है, अपने घर में जो राम जी है, अपने घर में जो ठाकुर जी है, अपने घर में जो कृष्ण है, अपने घर में जो देवता विराजमान है, आप उनके पास जाकर बैठ कर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान व्यापार व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला, जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कह रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं, ठीक है? जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए, अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहु? नहीं है ना शरीर में बल? एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूँ, मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, गुरुदेव आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और घूम रही हूँ, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं, बहुत सारे अस्पतालों में मेरा इलाज हुआ है, ऐसा कोई हॉस्पिटल गुजरात का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का नहीं जहां पर मेरा इलाज नहीं हुआ। रह रहकर कैंसर उपज रहा था, परेशान हो गई थी गुरुदेव, तब बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में और ऑपरेशन का दम नहीं बचा, इसलिए अब तुम भगवान के ही सहारे जियो। और डॉक्टर ने अगले ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं घर आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनी और गुरुदेव अब मैंने भी विचार कर लिया कि ये शरीर मैंने शंकर को दे दिया। और गुरुदेव एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई अपनी पोती से, बेटों से बुलवाती
और उस बेलपत्री को जल के साथ खाना चालू कर दिया। दो कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन इतने हुए थे। गुरुदेव, आज मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांति भाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, अब बाबा की यह कृपा हुई है, ये करुणा। बैठो मां, बैठो, हर हर महादेव, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है। शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है, पहुंचाएगा। जितना शरीर का वजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है सत्तर किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो, उतना ही किलो के हिसाब से दस किलो है तो ये मन में भाव लगा लेना कि मुझे दिन भर में 10 बार भगवान को धन्यवाद देना है कि तूने ये शरीर दिया, चित्त वृत्ति दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, ये पूरा जीवन मुझे दिया, ये आपकी कृपा से मिला है, आपको समर्पित है और आप ही को दे रहा हूं। 10 किलो के हो तो 10 बार आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, 20 किलो के हो तो 20 बार धन्यवाद दीजिए, 80 किलो के हो तो 80 बार धन्यवाद दीजिए, 90 किलो के हो तो 90 बार धन्यवाद दीजिए कि ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है मुझको, केवल आप दे रहे हो, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उसने कृपा कर यहां भेजा है अपने को, बड़ी मुश्किल से भेजा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो, उसके समचरणों में जाकर धोक लगाते रहो, उसको नमन करते रहो, उससे विनती बार बार करते रहो कि तेरे बल पर जी रहा हूँ, तेरी कृपा से जी रहा हूँ, तेरी करुणा से जी रहा हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मंथन किया और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जब मंथन करे तो उस मंथन में शिवलिंग प्रकट हुआ। मंथन में शंकर का प्रकट होना,
बहुत बड़ी बात है। जैसे बात बात में शिवजी का नाम, शंकर का यश, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब मेरा, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यशगुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यशगुण गाने में भी करके देखना, साथ से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यशगुण गाकर देखो, कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम चार लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर देखना, खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यशगुण गाना उसका, भले वो गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यशगुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यशगुण गाओ उसका। एक महीना इंतजार करना यशगुण गाते गाते, दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यशगुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोख लगाने आएगी जरूर, ये पक्का। आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पूरे भारत में, पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से, ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों। तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने भी राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे, सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे, जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था जय जय श्री राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब
वो क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही इनके भीतर भी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। पर आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिना करने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लगा तैयार होके भगवान के मंदिर जाओ और राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो, शिव की भक्ति में जितने जितने लग सकते हो उतने लगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिवजी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कौटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहुतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है। जिन जिन को आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है, ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो मंथन किया उस मंथन में जो शिवलिंग निकला और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये शिवलिंग जो निकला है इसके चरण कहाँ हैं, इसका शीश कहाँ है, जरा पता करा जाए। और ब्रह्मा स्वयं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान विष्णु मृत्यु लोक में नीचे तलातल में रसातल में पताल में भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव का चरण। गए दोनों, वो ऊपर गए ये नीचे गए देखने के लिए। कई लोग शिव महापुराण की कथा स्मरण भजन कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाते हैं मंदिर में, कई लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, कई लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने सुना और किसने ना सुना, किसने धारण करा किसने ना करा। अब ब्रह्मदेव ऊपर गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए कि उनके भीतर अभिमत्ता अहंकार थोड़ा थोड़ा समाहित होने लगा और उन्होंने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प से कहा कि तुम नीचे चलो मेरे साथ में, भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया।
केतकी के फूल ने कहा कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता कैसे रहेगी। मेरे झूठ बोलने की श्रेष्ठता कैसे होगी, कौन मानेगा मेरी बात को। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय से कह दिया तुम चलकर कह दो कि तुम चलकर कहो कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शिष्य मिल गया। गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं। उसको भी थोड़ा सा लोभ दिया गया और केतकी के पुष्प को भी थोड़ा सा लोभ दिया गया। दोनों को थोड़ा थोड़ा लोभ प्रदान करा और शिव पुराण कथा कहती है कि जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा लोभ उपज जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो फिर जीवन का किया हुआ सारा कर्म उसका बेकार हो जाता है। और वही हुआ है केतकी के पुष्प के मन में। ये लोभ जाग गया कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सिंचित हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और गाय के मन में ये लोभ जाग गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहली रोटी आपको प्रदान कर दूंगा, तो ये लोभ ही तो जागा। कोई भी चीज करो, अगर कोई सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से परित होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना। फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे, कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000-25,000 लग जाएगा तो अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा इसी कुएं। कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गाँव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना घर वाले, वो सब लाकर इसमें डालते जाना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेल कचरे पर पांव रखते 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 बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना।
बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्म अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ, आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव है, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना, बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में दसवें दिवस की कथा में दसवें अध्याय में एक व्याज और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है, ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने दो तीन बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे,